हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइटा टॉपिक में तो ब्रायोफाइटा में हम देखेंगे लाइफ साइकिल और फिर देखेंगे ब्रायोफाइटा के टाइप्स मींस मॉसेस एंड लिवर वर्ड तो मॉसस में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज का डिफरेंस यस yes. नीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ब्रायोफाइटा के में, और के में एंड लीफी स्टेज बीच का डिफरेंस तो हमें तब सबसे पहले तो ये भी देखना है और तीसरा ये देखना है कि लिवर वर्ड के एग्जाम्पल्स क्या है मॉसिस के एग्जाम्पल्स क्या है तो मैं आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ लास्ट के टॉपिक में हाउ टू तो रिमेंबर फ्रैग फैगनम फैगनिया मर्सेंटिया किस में आते हैं और कैसे याद करेंगे तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर तो सबसे पहले आप ये जानिए कि प्लांट किंगडम दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है एक प्लांट जो स्पोर प्रोड्यूस करता है और एक प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करता है तो स्पोर प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल है अलगी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा स्पोर प्रोड्यूसर्स दे प्रोड्यूस स्पोर इन इंडिया लाइफ साइकिल अब सीड प्रोड्यूसर में जिम्नोस्पम, एंजियोस्पम आते हैं तो सीड प्रोड्यूसर्स की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं हम बात करें स्पोर प्रोड्यूसर और स्पोर प्रोड्यूसर्स में भी ब्रायोफाइटा के तो सबसे पहला एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा का है कि ये स्पोर प्रोड्यूसर्स होते हैं अब बेटा प्लांट में दो लाइफ या लाइफ साइकिल में कहूं उसमें दो स्टेजेस आते हैं एक आता है गमीटोफाइट और एक आता है स्पोरोफाइट पहले तो समझते गमीटोफाइट मतलब फाइट मतलब प्लांट गैमिट प्रोड्यूस करने वाला प्लांट गमीटोफाइट फाइट फाइट प्लांट तो गैमीट प्रोड्यूस हो ऐसे प्लांट को गैमिटोफाइट स्टेज कहेंगे स्पोरोफाइट प्लांट जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करने वाला प्लांट स्पोरोफाइट तो गैमीट तो हेप्लॉइड होती है तो गैमिटोफाइट को हेप्लॉन्टिक स्टेज में बोलते हैं और स्पोरोफाइट को डिप्लॉन्टिक क्योंकि स्पोर जो होगा वो डिप्लॉइड सेल से आएगा आफ्टर मियासेस कंफ्यूज मत होइए मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको सारी चीजें आज याद करवा दोगे तीसरी बात आपको यह भी याद रखना है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम को ब्रायोफाइटा कहते हैं क्योंकि ब्रायोफाइटा टेरेस्ट्रियल प्लांट है लेकिन इनको इनको फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पानी की जरूरत होती है तो बिकॉज़ दे डिपेंड अपॉन वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म एंड एग वी कॉल्ड देम एज़ एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम राइट right? तो हमने कुछ सीक्वेंस लिखा है, है. तो है, है, है. तो सेवेंटी परसेंट है? है. जो टाइम है, है वो गेमिटोफाइट में बिताते हैं इसीलिए इसे डिप्लॉइड या डिप्लॉइड uh, स्टेज में सिर्फ थर्टी परसेंट तो उसको हम लोग रिसेसिव फेज बोलते हैं डिप्लॉन्टिक रिसेसिव डोमिनेंट याद करेंगे बाद में नाउ ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं और ब्रायोफाइटर दो पार्ट में डिवाइडेड है दो क्लासेस में डिवाइडेड है मॉसेस एंड लिवर तो मॉसेस में ये है मोर इलाबोरेटेड मोर एडवांस और जब आपका लीवर वर्ड है वो थोड़ा सा लीवर वर्ड लीवर लेस डेवलप एल लेस और इतना एडवांस भी स्ट्रक्चर नहीं आते हैं तो लेट्स नॉट वेस्ट दिल गो टू द नेक्स्ट लाइन तो बेटा अगर मैंने आपको बोला है कि ब्रायो फाइटा तो अभी हम बात करें ब्रायो फाइटा के लाइफ एक्सक्यूज मी लाइफ साइकिल के बारे में तो एक तो चीज आप सबसे पहले मेरे पास ध्यान दीजिए मैंने कहा कि एक स्टेज होता है गैमीटो फाइट गैमिटोफाइट स्टेज तो फाइट मीन्स प्लांट गैमीट मीन्स गोमीट तो प्रोड्यूस करने वाला प्लांट का फेज गैमीटो फाइट अब बेटा ग्यामीट क्या होती है ये होती है इसीलिए गेमिटोफाइटिक गेमिटोफाइट को हेप्लॉन्टिक स्टेज भी कहते हैं इस वाले स्टेज में सारी सेल्स एन होती हैं, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम हेप्लॉन्टिक मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहां पे सारी क्रोमोजोम के जो नंबर है वो हाफ हो जाएंगे हाफ क्लियर तो गेमिटोफाइट मींस प्लांट विच इज प्रोड्यूसिंग गेमिट गेमिटोफाइट फेज। में कुछ सेल्स है जैसे स्टेज, स्टेज भी कहते हैं दिस इज क्लियर आई होप इट इज क्लियर क्योंकि यहाँ पे ब्रायोफाइट सेवेंटी परसेंट ऑफ लाइफ स्पेंड करता है इन द गमिटोफाइट तो हम कहते हैं गेमिटोफाइट डॉमिनेंट है ब्रायोफाइट में क्या बोला मैंने ब्रायोफाइट में 70% टाइम हेप्लॉन्टिक में जाता है गेमेटोफाइट स्टेज में जाता है तो ये गेमेटोफाइट क्या है डोमिनेंट स्टेज है कैसे स्टेज है डोमिनेंट स्टेज है तो ये शायद आपको क्लियर हुआ अब हम दूसरी स्लाइड में चलते हैं अब बेटा हम लाइफ साइकिल स्टार्ट करें तो क्या होता है इनके पास होता है हेप्लोन्टिक या इनके पास होता है गेमेटोफाइट अब बेटा गैमिटोफाइट आप इमेजिन कीजिए एक सेल जिसके पास यहां पे जो सेल्स हैं ये सारी के सारी सेल्स कैसी हैं एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम कंटेनिंग सेल्स है तो ये क्या है आपकी गैमिटोफाइट अब गैमिटोफाइट में हर सेल्स क्या है एन नंबर कंटेन कर रही हैं कौन सा नंबर कंटेन कर रही है एन तो इनके पास एन क्रोमोजोम एन 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 मींस हर सेल्स कैसी है यहाँ पे हेप्लाइड है तो एक हेप्लॉइड सेल्स मेच्योर हो जाती हैं और आप इसे सेक्स ऑर्गन कहते हैं में एक सेल है राइट right? बड़ी सी सेल है जिसके अंदर छोटे छुट छोटे और सेल्स है तो हम कहते हैं ये सारी सेल्स हाफ क्रोमोज़ोम नंबर लेके आ रही है मींस ये सारी सेल्स क्या है, है। तो गेमिटोफाइट मींस अ ग्रुप ऑफ प्लांट व्हिच इज कंटेनिंग ऑल सेल्स व्हिच आर हेप्लॉड नाउ एक सेल यहां पे मेच्योर हो जाती है एंड वो कन्वर्ट हो रही है सेक्स ऑर्गन में किस में कन्वर्ट हो रही है सेक्स ऑर्गन में तो ये सेक्स ऑर्गन का नेचर कैसा है मल्टी सेलुलर बेटा ये नीट में पूछा गया था नीट 2017 थाउजेंड नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था सेक्स ऑर्गन में क्वेश्चन सेल्यर मल्टी सेलर तो वो मल्टी सेलर नेचर की होती है तो कुछ हेप्लाइड सेल्स मेच्योर हो जाती हैं इन सेक्स ऑर्गन और ये सेक्स ऑर्गन दो प्रकार की होती है मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन तो फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड यहाँ पे लिखेंगे मेल सेक्स ऑर्गन तो मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं ऑर्गन को आर्की गियम कैसे याद करेंगे बेटा आर्की आर्मेल लेव है ना एंथर enter, एंथेरी enter, so, मुझे तो याद रहता है आर् मतलब फीमेल आरकी तो देखिए की गोनियम तो आर की गोनियम एंड एंथेरिडियम क्या है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है नाउ एंथेरिडियम आफ्टर अ डिवीजन इज गोइंग टू प्रोड्यूस गैमीट तो एंथेरिडियम में होता है माइटोसिस यहाँ पे क्या होता है माइटोसिस एंड यहां पे क्या होता है माइटोसिस दोनों ही सेक्स ऑर्गन माइटोसिस सेल डिवीजन दिखाएंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगी गैमेट एंथेरिडियम प्रोड्यूस करता है बाई फ्लैज बाई फ्लैजलेटेड बाई फ्लैजलेटेड स्पर्म बाई फ्लैजुलेटेड स्पर्म और ये फीमेल क्या दिखाती है ये प्रोड्यूस करती है एग एग सेल एग सेल अब देखिए बेटा फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो फ्लास्क शेप का होता है कौन सा शेप का होता है फ्लास्क शेप का होता है और यहाँ पे प्रोड्यूस होती है एग सेल यहाँ पे प्रोड्यूस होती है एग सेल तो प्लीज ख्याल रखिएगा कि ये है आपकी एग सेल और इस एग सेल में अब स्पर्म आता है बाय द हेल्प ऑफ वाटर मीन्स ये जो स्पम है वो वाटर में रिलीज हो जाएगा और वाटर से स्पम तैर के आ जाता है एग सेल के पास क्या आ जाता है एग सेल के पास याद रखिएगा ये जो है आर की ये खुद हेप्लॉइड है, है और यहाँ पे एक आपके पास जो एक्सेल है वो भी हैप्लायड हुआ और ये जो स्पम आया वो भी हेप्लॉड है, है तो कुल मिला के येिक स्टेज है गैमीट भी हैप्लाइड है, है आर भी हेप्लॉइड है, है अब होगा क्या अब होगा फर्टिलाइजेशन अब एग सेल मिक्सअप हो जाती है स्पर्म के साथ और हो जाता है फर्टिलाइजेशन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है क्या बनती है Zygote बनती है क्या बनती है बेटा जायगोट मैं पेन चेंज कर लेती हूँ अब आएगा आपका जायगोट तो अब फ्लास्क फ्लास्क सेल के अंदर जायगोट बना और ये जायगोट पहला डिप्लॉइड सेल है ये पहला डिप्लॉइड सेल है मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों ने मिक्सअप किया और क्या बना अब अब ये जो जाइगोट है वो पहला डिप्लॉय सेल है और ये जो है अब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा बट कहां पे कन्वर्ट हो रहा है ये सारी चीजें कहां पे हो रही है गैमेटोफाइट में तो स्पोरोफाइट क्या है अभी आपको याद आएगा ध्यान से सुनिए अब बेटा आपके पास है जाइगोट जाइगोट जो कि एक डिप्लॉइड सेल है जाइगोट कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो में जो कि ये खुद डिप्लॉइड है तो मतलब अब यहां से डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गए और ये कुछ नहीं है स्पोरोफाइट है तो जहां से डिप्लॉइड सेल शुरू हो जाता है डिप्लॉइड फेज शुरू हो जाता है वहां से स्पोरोफाइटिक लाइफ शुरू हो जाती है तो स्पोरोफाइटिक लाइफ कहां से शुरू हुई जाइगोट से तो जाइगोट से एम्ब्रियो एम्ब्रियो अब क्या करेगा एम्ब्रियो अब मेच्योर होता है एम्ब्रियो क्या होता है अब मेच्योर होता है एंड अब ये अडल्ट हो जाता है अडल्ट होता है मेच्योर होता है और ये एम्ब्रियो अब डिवाइड हो जाता है इनटू फूट सेटअप कैप में लेकिन याद रखिए यही है आपका स्पोरोफाइट स्टेज सो जैगोट जो कि डिप्लॉइड है जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप हुआ मेच्योर हुआ अब एम्ब्रियो और मेच्योर हो जाती है ड्यू टू डिफ्रेंसीएशन ड्यू टू मेच्योरेशन डिफरेंसीएशन अब ये एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगी एम्ब्रियो स्पोरोफाइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि ये वो प्लांट का पार्ट है जो कि स्पोर प्रोड्यूस करेगा कैसे मैम क्योंकि अब एम्ब्रियो डिवाइड होता है फूड सटा कैप्सूल में और कैप्सूल वो पार्ट है कैप्सूल वो पार्ट है जहां पे स्पोर मदर सेल्स होती हैं स्पोर मदर सेल्स होती हैं अब स्पोर मदर सेल क्या है बेटा स्पोर मदर सेल एक तरह की डिप्लॉइड सेल है जो कि स्पोर प्रोड्यूस करती हैं बाय मियोसिस बाई मायोसिस बाई द हेल्प ऑफ मायोसिस यहाँ पे स्पोर मदर सेल स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि ध्यान दीजिए क्योंकि आपका स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है इस प्लांट की बॉडी से इसे स्पोरोफाइट कहा जा रहा है याद रखिए जायगोट एम्ब्रियो में एम्ब्रियो अभी तक डिप्लॉइड है अब एम्ब्रियो मेच्योर होगा और फूड सटा कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही फूड सटा कैप्सूल में कन्वर्ट हुआ उसे आप स्पोरोफाइट डेवलपमेंट बोल देते हैं ये स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट है। प्लांट का वो पार्ट प्लांट का वो स्टेट जो स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए रेडी है अब स्पोर प्रोड्यूस होती है कैप्सूल में क्योंकि कैप्सूल के अंदर है स्पोर मदर सेल स्पोर मदर सेल स्पोर मदर सेल अब क्या होगा स्पोर मदर सेल के पास मेयोसिस होता है एंड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्स कुछ नहीं ये हैप्लॉइड है ये हैं हैप्लॉइड तो स्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर और अब इन स्पोर्स को क्या करना है सोइल में जाना है एंड जर्मिनेट होना है तो so, सोयल में स्पोर्स जर्मिनेट होता है और फिर क्या प्रोड्यूस करता है गैमिटोफाइट तो so, बेटा गैमिटोफाइट कहां से आ रही है स्पोर से स्पोर्स आ रही है स्पोर मदर सेल स्पोर मदर सेल है कैप्सूल तो कैप्सूल में स्पोर मदर सेल मियोसिस आफ्टर मियोसिस स्पोर और आपको पता है स्पोर से हेप्लॉयड मींस अगर यहाँ पे 2n था तो मियोसिस के बाद यहाँ पे n होता है तो स्पोर है n हेप्लॉयड जैसे ही सॉइल पाएगा जर्मिनेट होगा इनटू गैमेटोफाइट और आपको पता है गैमेटोफाइट में तो हेप्लॉयड सेल था n सेल था अब गैमेटोफाइट मैच्योर हो जाएगी और क्या प्रोड्यूस करेगी सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगी सेक्स ऑर्गन जो कि है एंथरी एंड एंथेरी 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 आर्की, आर्कीगोनियम, एंथेरिडियम आर्कीगोनियम अब क्या प्रोड्यूस करेगी प्रोड्यूस करेगी स्पर्म एंड एग अब स्पर्म एग क्या करेगी फर्टिलाइज करेगी तो जाइगोट आएगा जाइगोट फिर एम्ब्रियो फिर एम्ब्रियो डिफ्रेंशियट हो जाएगा मेच्योर हो जाएगा इनटू फूड सटा कैप्सूल जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं फिर कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स आ जाएंगी स्पोर मदर सेल्स में मिओसिस होगा मियासिस से स्पोर प्रोड्यूस होगा स्पोर क्योंकि मिओसिस से आ रहा है इसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोम हो जाएंगे हेप्लाइड सेल्स हैं फिर ये स्पोर को सॉयल दे दीजिए गैमिटोफाइट डेवलप हो जाएगा तो गैमिटोफाइट क्या है गैमिट कंटेन करता है तो सेक्स ऑर्गन मियोसिस नहीं माइटोसिस प्लीज रिमेंबर दैट सेक्स ऑर्गन एंड थेरिडियम आर्किगोनियम यहां पे माइटोसिस दिखाती है तो माइटोसिस से गैमीट आता है माइटोसिस से गैमीट आता है मियोसिस से स्पोर आता है अगर हम एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अगर मैं आपको स्पोरोफाइट बोलती हूं तो बेटा स्पोरोफाइट कहां से स्टार्ट होता है जाइगोट से तो जाइगोट डिवाइडेड इनटू एम्ब्रियो एम्ब्रियो डिवाइडेड इनटू फूड सटा कैप्सूल फूड सटा कैप्सूल जिस इज कॉल्ड अ स्पोरोफाइट अब बेटा स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है Meiosis होता है और क्या प्रोड्यूस होता है स्पोर प्रोड्यूस होता है अब स्पोर्स क्या है हैप्लाइड है क्लियर तो ना बेटा इन द केस ऑफ गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट तो बेटा गैमेटोफाइट कहां से स्टार्ट होगा प्लीज जल्दी से बताइए स्पोर जो कि गैमी हेप्लाइड सेल्स है ग, ये जर्मिनेट होती है तो गैमेटोफाइट आता है अब बेटा गैमेटोफाइट आएगा तो क्या होगा जल्दी बताओ गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन आएगा एंड सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम एन आर की गोनियम एंड क्या प्रोड्यूस करेगी गैमीट प्रोड्यूस करेगी और गैमीट अब आपका फर्टिलाइजेशन दिखाएगा तो जयगोट तो गैमिटोफाइट में स्पोर गैमिटोफाइट सेक्स ऑर्गन एंड गैमीट है इन द केस ऑफ स्पोरोफाइट स्पोरोटोट एम्ब्रियो स्पोरोफाइट एंड वहां पे मियोसिस so तो स्पोर तो स्पोर तो आप यहाँ पे लिखिए नहीं यहाँ से स्पोर लिख दीजिए यहाँ पे ग्यामीट लिख दीजिए क्लियर स्पोर से गैमीट तक क्या है गैमिटोफाइट जयगोट से स्पोरोफाइट इज द स्पोरोफाइटिक लाइफ आई होप इट इज गेटिंग क्लियर नाव ओके इफ इट्स क्लियर नाव हम बात करते हैं आपके क्या करेंगे हम बात मॉसेस की तो बेटा मॉसिस जो है वो थोड़ा सा मोर एडवांस है देन द लीवर वॉट तो अभी अगर हम थोड़ी सी मॉसेस की बात करते हैं तो बेटा मॉसिस में क्या है आपका गैमिटोफाइटिक स्टेज है गेमिटोफाइटिक स्टेज है और यहाँ पे फिर आपके पास है स्पोरोफाइटिक स्टेज गेमिटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक हम देखते हैं गेमिटोफिक स्टेज दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैिमा लीफी स्टेज ध्यान से सुनिए अगर स्पोर से यहां पर देखिए स्पोर से अगर मैं बोल रही हूं स्पोर से डायरेक्टली स्पोर से डायरेक्टली अगर मिटोफाइट आ रहा है तो उसे प्रोटोनिमा कहते हैं स्पोर से डायरेक्टली स्पोर से डायरेक्टली प्रोटोनिमा आ रहा है तो हम उसको प्रोटोनिमा स्टेज कहेंगे ठीक है जब हम लीफी स्टेज की बात करें तो यह है मोर एडवांस स्टेज मोर एडवांस स्टेज मींस ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहलाती है ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा प्रोटो निमा कहलाती है और ये लीफी स्टेज जो है गेमिटोफाइट का मोर डेवलप पार्ट है और यहाँ पे सेक्स ऑर्गन आ जाएंगे तो गैमिटोफाइट स्टार्ट होती है गेमिटोफाइट स्टार्ट होती है फ्रॉम प्रोटोनिमा प्रोटोनिमा डायरेक्टली स्पोर से आया पहला पार्ट होता है तो यहाँ पे गेमिटोफाइट क्या है स्पोर स्पोर से आया हुआ हॉरीजोंटल वे में जो प्लांट आ रहा है सॉइल के एकदम अटैचमेंट में है तो सॉइल के एकदम अटैचमेंट में जो लीफी पार्ट आता है या जो भी गेमेटोफाइटिक पार्ट आता है तो उसे प्रोटोनिमा कहते हैं अब बेटा यहाँ से अगर इरेक्ट फॉर्म पे प्लांट आने लग जाए और विद द लीफ तो हम उसको कहते हैं लीफी स्टेज लीफी स्टेज लिटिल एडवांस है और इसी के अंदर सेक्स ऑर्गन होगा और यही लोग गैमीट प्रोड्यूस करेंगे और यही फिर क्या प्रोड्यूस करेगी अपना ग्ञा मीट प्रोड्यूस करेगी फर्टिलाइजेशन होगा और यहीं से फिर स्पोरोफाइटिक आएगा ऑलवेज रिमेंबर दैट स्पोरोट इज आ डिपेंडेंट स्ट्रक्चर always remember that sporophyte is a dependent structure on the gametophyte sporophyte apne aap se grow nahi kar sakta use hamesha aur hamesha gametophyte ke upar grow karna hota hai agar ye gametophyte ke upar grow nahi karega ise nutrient nahi milega ise food nahi milega to gametophyte provide the stability to because it it's attached to the soil second point वो photosynthetic है, तो food भी produce करता है। sirf aur sirf gametophyte provide कर सकता है nourishment to the sporophyte spor स्पोरोफाइट का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है सो ऑलवेज रिमेंबर स्पोरोज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन गेमेटो फाइट फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एग्जिस्टेंस याद रखिए गेमेटो से लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी गेमेटो फाइट पर ही इंड होगी स्पोरोफाइट सिर्फ छोटा सा एक मोवमेंट होगा थर्टी percentage of their life and that's why the gametophyte is the dominant stage i hope you enjoyed the lecture and will stay tuned with me take care bye